नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसेस एंड पी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप पीसेस एंड पी एंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज करके अपनी जितने भी पार्टीज हैं उनका लेजर मेंटेन कर सकते हैं, एज वेल एज जो आपका कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उनका भी आप लेजर मेंटेन कर सकते हैं। और किसी पार्टी से आप अगर परचेज कर रहे हैं तो उस परचेज की एंट्री भी यहाँ पे कर सकते हैं। लोकेशन वाइज, अगर आप ये चाहते हैं कि लोकेशन वाइज आपका कोई लेजर मेंटेन हो जाए या तो उसको भी कर सकते हैं और लोकेशन वाइज परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आप यूज करके अपने जितने भी अकाउंट्स हैं उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आपको ये क्लियर रहे कि किस पार्टी को कितना पैसा देना है या किससे हमने कितना पैसा लेना है या हमने लिया है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं, जैसे परचेस है तो परचेस आप किसी पार्टी के लिए कर रहे हैं तो उनको तो आपने पैसा देना है तो वो आप देख सकते हैं। और अगर आप किसी से पेमेंट ले रहे हैं तो कितना पेमेंट आपने लिया या किसी को कितना दिया, कैश का अकाउंट क्या बैलेंस है, बैंक में क्या बैलेंस है, वो सब आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप किसी पार्टी को किस तरह से क्रिएट करेंगे, यानी किसी पार्टी का लेजर किस तरह से आप क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आप जाएंगे क्रिएट लेजर में, यहाँ पर आपने जो आपको लेजर आईडी है वो तो ऑटो इंक्रीज होती रहेगी, उसमें आपने कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे लेजर का नाम डालेंगे, जो भी लेजर का नाम है। ठीक है, ग्रुप वो डेटर है या क्रिएटर है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो सब ग्रुप है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद लोकेशन क्या है, अगर लोकेशन वाइज भी जितना आपका पेमेंट्स हुई है उनको मैनेज करना चाहते हैं या रिसीव हुई है तो उनको मैनेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लोकेशन भी डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लक्ष्मी नगर एंटर कर देंगे, स्टेटस एक्टिव कर देंगे, पर्सनल इन्फो लाइक उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस, सिटी, कंट्री, आधार नंबर, ये सब आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। देन जीएसटी की इन्फो भी आप डाल सकते हैं, जैसे जीएसटी नंबर, जीएसटी टाइप और कस्टमर टाइप, स्टेट टाइप क्या है, वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और उनके बैंक की डिटेल भी आप एंटर यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव करेंगे, जैसे सेव करेंगे वैसे ही आपको पॉपअप विंडो दिखेगी कि अगर इस पार्टी का कोई भी ओपनिंग बैलेंस है, चाहे वो डेबिट में हो चाहे क्रेडिट में हो, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर नहीं डालेंगे तो आपने सिर्फ और सिर्फ जीरो एंटर करके इसको सेव कर देना है। ठीक है, इस तरह से जो भी लेजर है वो क्रिएट हो जाएगा। अब मान लीजिए हम इस लेजर में एक पेमेंट लेना चाहते हैं। ठीक है, मतलब हमने इन लेजर को कैश अकाउंट से पेमेंट करनी है। ठीक है, तो हम एक पेमेंट वाउचर की एंट्री करेंगे, यहाँ पर हम पेमेंट नंबर ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, उसके बाद डेट सेलेक्ट करेंगे, किस डेट में हमने पेमेंट करी हुई है, लेजर सेलेक्ट करेंगे कि किस अकाउंट से हमने पेमेंट की, हमने कैश अकाउंट से पेमेंट की तो हम कैश अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। कैश अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद जो भी लेजर आईडी है जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि जिसके अकाउंट में डेबिट हो रहा है, उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे अजीत। उसके बाद जितना अमाउंट हम डेबिट कर रहे हैं उतना हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया एंड ऐड कर दिया। उसके बाद सेटलमेंट मोड्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, मैं अभी कैश में एंट्री करके ऐड करके यहाँ पे आप रिमार्क भी डाल सकते हैं कि किस वजह से आपने पेमेंट की है, पेमेंट करने का जो कारण है उसको आप यहाँ पे रिमार्क में एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे सेव कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप पेमेंट वाउचर की एंट्री कर पाएंगे। उसके बाद आप हम जब लेजर चेक करें उस पार्टी का, तो लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपने पार्टी को सेलेक्ट करना है। मान लीजिए अजीत को हमने पेमेंट की थी तो अजीत को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे विदाउट डेट कर दिया, ओके किया, तो आप देखिए जो हमने उनको पेमेंट की कैश अकाउंट वो उनके अकाउंट में डेबिट हो गई। ठीक है, और इसी तरह से हम जब कैश अकाउंट चेक करेंगे, यानी कैश का लेजर चेक करेंगे, तो कैश अकाउंट पे गए, ओके किया, तो देखिए यहाँ पे कैश अकाउंट में इस तरह से हमने इतनी पेमेंट कर रखी है, तो चार्ज लास्ट पेमेंट की थी वो हमारे कैश अकाउंट से क्रेडिट हो गई। ठीक है, चलिए एक एंट्री हम पेमेंट पे और करते हैं, जो हमने नया अकाउंट बनाया था अमन नाम से, उसमें एक पेमेंट की एंट्री फिर और करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, कि हम उनको पेमेंट कर रहे हैं तो हम कहाँ से पेमेंट कर रहे हैं, किस अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं, आप बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कैश अकाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ से आप पेमेंट कर रहे हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। कैश अकाउंट सिलेक्ट किया, उसके बाद जिस लेजर आईडी, जिस भी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं उसकी लेजर आईडी सिलेक्ट करी, यानी अमन नाम है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया कि कितना अमाउंट आप उन्हें पे कर रहे हैं,
कैश सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपने अमाउंट डाला, एंटर किया, और उसके बाद जो भी रिमार्क है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, देन सेव कर देंगे। ठीक, अब हम फिर से इस पार्टी का लेयर चेक करते हैं, अमन नाम की, यहाँ पे गए, अमन सेलेक्ट किया, विदाउट डेट किया, ओके किया, तो देखिए यहाँ पे अमन जी के अकाउंट में 6500 रुपये डेबिट हो गए हैं। ठीक, तो इस तरह से आप पीसीएस एनपी एंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज करके जो भी आपके पार्टीज के लेजर हैं, जो भी पार्टीज हैं उनके लेजर को आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और उनको मेंटेन कर सकते हैं, यानी जो उनसे रिसिप्ट है या जो आप उनको पेमेंट कर रहे हैं, और लोकेशन वाइज भी आपके जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।